तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में जो स्मार्टफोन कंपनीज है उन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लाई है अपने स्मार्टफोन्स में, चाहे मैं बात करूँ उसकी बिल्ड क्वालिटी की, उसके डिजाइन की, उसके हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, या फिर ओवरऑल रिलायबिलिटी की। मतलब काफी हद तक जो मिड रेंज स्मार्टफोन है वो आज कंपटीशन दे रहे हैं फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को। अब इस सिचुएशन में आप में से बहुत लोगों के मन में ये डाउट जरूर रहेगा कि यार हमें एक बजट वाला मिड रेंज स्मार्टफोन लेना चाहिए जिसमें ठीक ठाक आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, या फिर आपको जाना चाहिए एक एक्सपेंसिव फ्लैगशिप स्मार्टफोन के लिए। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ डिफरेंसेस के बारे में मिड रेंज एंड फ्लैगशिप में, जो आपको हेल्प करेंगे एक परफेक्ट स्मार्टफोन आपके लिए बाय करने के लिए। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज कर लीजिए, हम 5000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा नजदीक है, प्लीज पूरे करा देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मैं कोई भी वीडियो निकालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जानी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक फ्लैगशिप फोन की। तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो एक फ्लैगशिप फोन में आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कंबाइनेशन मिलता है जो इतना अच्छा रहता है, जैसे कि स्नैपड्रैगन का 888 का प्रोसेसर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, वो आपको एक मिड रेंज स्मार्टफोन में देखने को तो नहीं मिलेगा। बट अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल यूजर की जो ज्यादातर अपने फोन को वेब ब्राउजिंग के लिए यूज करता है या फिर व्हाट्सएप एंड इंस्टा यूज करने के लिए यूज करता है, तो उसके लिए बजट वाला मिड रेंज स्मार्टफोन बेटर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ सैमसंग के एम सीरीज एंड ए सीरीज वाले फोन की, तो वो यहाँ पर आपके लिए बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कैमरास की, तो यहाँ पर आपको पता ही रहेगा कि बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं जो अपने फोन के अंदर 64 एंड 108 मेगापिक्सल के भी कैमरास प्रोवाइड करते हैं, बट जो आईफोन का 12 मेगापिक्सल का कैमरा है वो काफी ज्यादा अच्छा है उनसे भी। तो यहाँ पर जो सारा कमाल है वो है सॉफ्टवेयर और ऑप्टिमाइजेशन का, जो आपको एक सादे फोन में जो मिड रेंज स्मार्टफोन है उसमें देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो मेरी तरह जो वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब के लिए या फिर कोई भी और प्लेटफॉर्म के लिए, तो आपको एक फ्लैगशिप फोन के लिए जाना चाहिए जो आपको एक बेटर कैमरा प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर अगर आपको कैमराज का काफी ज्यादा यूज है, जैसे आप हर जगह जाके फोटोज एंड वीडियोज लेते हो, तो आपको एक फ्लैगशिप फोन के लिए जाना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको पता ही रहेगा कि आजकल आपको मिड रेंज में एंड फ्लैगशिप में आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, बहुत ही ज्यादा क्रिस्प रहता है और बहुत ही ज्यादा ब्राइट भी रहता है। बट जो एक्चुअल वाइब्रेंट कलर्स आपको एक फ्लैगशिप फोन में मिल जाते हैं वो आपको एक नॉर्मल मिड रेंज स्मार्टफोन में नहीं देखने को मिलने वाले। और जो एक फ्लैगशिप फोन है उसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन भी देखने को मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल 120Hz। तो यहाँ पर अगर आपकी प्रायोरिटी डिस्प्ले है तो आपको एक फ्लैगशिप फोन के लिए जाना चाहिए। बट अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसे कोई हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मल कंटेंट देखना है आपको यूट्यूब पे या फिर कोई भी और प्लेटफॉर्म पे, तो आप एक बजट मिड रेंज स्मार्टफोन के लिए भी जा सकते हो जिसमें 60 या फिर 90Hz का डिस्प्ले मिल जाता है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं रैम की। तो यहाँ पर फोन का रैम के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे देखकर आप फोन को बाय करने चले जाओगे, जैसे कि हाँ इसका रैम अच्छा है तो मैं ये फोन को बाय कर लेता हूँ। हाँ, आपको फ्लैगशिप फोन में 12GB रैम 16GB रैम भी देखने को मिल जाता है, बट आपको तभी तक वो चीज की जरूरत नहीं है जब तक आप उससे उतना काम करवा रहे हो। जैसे अगर हम कोई वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर गेमिंग करते हैं या फिर मल्टीटास्किंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको ज्यादा रैम की जरूरत पड़ जाती है, बट नॉर्मल यूजर को एक ज्यादा रैम वाले फोन की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद मैं इसे एडिट करूंगा, और जो एडिटिंग एप्लीकेशन रहता है उसे एक हाँ ऑफकोर्स ज्यादा रैम की जरूरत है, उसे एक पावरफुल प्रोसेसर की जरूरत है, उसे ज्यादा कोर्स की जरूरत है, तो वहां पर एक ज्यादा अच्छा फ्लैगशिप स्मार्टफोन बहुत ज्यादा काम आ जाएगा। बट एक ऐसा इंसान है जो ज्यादा मल्टीटास्किंग नहीं करता है, उसे ज्यादा कुछ ऐसे गेमिंग नहीं करनी है या फिर वो वीडियो एडिटिंग नहीं करता है, तो उसके लिए एक नॉर्मल मिड रेंज स्मार्टफोन भी बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आईफोन्स की, तो आपने देखा रहेगा जो आईफोन 12 प्रो है एंड जो प्रो मैक्स है उसमें 6GB रैम दिया हुआ है, एंड जो 12 मिनी एंड 12 है उसमें आपको 4GB रैम देखने को मिल जाता है। फिर भी वो जो मुश्किल से मुश्किल टास्क उसमें चला सकते हो आप, जैसे उसमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, उसमें मल्टीटास्किंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, फोन लैग नहीं होगा। और ये है सारा खेल है ऑप्टिमाइजेशन का। तो यहाँ पर ये भी डिपेंड करता है कि आपके फोन के अंदर कितनी अच्छी तरह से सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन करके रखी हुई है। सिर्फ रैम ज्यादा होने से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ वो चीज देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि ये फोन आपके लिए अच्छा है। तो दोस्तों, अभी हम एट लास्ट बात कर लेते हैं कि आपको कौन से फोन के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस की, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक फ्लैगशिप या फिर एक मिड रेंज स्मार्टफोन के लिए जाना चाहिए। एक फोन जो आपके लाइफ में ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है वो आपके लिए एक बेटर वैल्यू फॉर मनी फोन है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं वापस से बता रहा हूँ, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ, उसे एडिट करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक हाई परफॉर्मेंस वाले फोन की जरूरत है जिसमें एक अच्छा कैमरा भी हो, तो मैं एक फ्लैगशिप फोन के लिए जाना ज्यादा पसंद करूंगा। बट अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जो कि ज्यादा मल्टीटास्किंग नहीं करता है, उसे वीडियो एडिटिंग नहीं करनी है, उसे हल्की फुल्की एकदम गेम्स खेलनी है, ज्यादा वेब ब्राउजिंग करता है, तो एक मिड रेंज स्मार्टफोन के लिए जाएगा और थोड़े से पैसे बचाएगा तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। सेव मनी टुडे एंड मनी विल सेव यू टुमारो। तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि अगर आपके थोड़े पैसे बच रहे तो आपको बचा लेने चाहिए।
और वैसे भी आजकल के जो मिड रेंज स्मार्टफोन है वो काफी ज्यादा अच्छे हो गए, एडवांस हो गए हैं और आप कुछ ज्यादा फीचर्स मिस नहीं करते एक फ्लैगशिप फोन से। बट एक ऐसी बात है फ्लैगशिप फोन्स में जो कि आपको कोई भी मिड रेंज स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगी, जब भी आप उसे यूज करते हो तो हाँ आपको लगता है कि आई एम यूजिंग अ टॉप ऑफ द लाइन डिवाइस और ये फीलिंग काफी ज्यादा अच्छी होती है। एंड आप 3 से 4 साल भी उसे यूज करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ अभी के जो नए फोन है उसे आप कोई भी ज्यादा फीचर्स मिस आउट नहीं कर रहे हो, तो ये एक खासियत है फ्लैगशिप फोन की। बाकी अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे कोई हाई परफॉर्मेंस वाले फोन की जरूरत नहीं है एंड वो हल्की फुल्की गेम्स खेलता है, थोड़ी बहुत फोटोज लेता है, वीडियोज लेता है एंड कुछ ज्यादा ऐसा मुश्किल वाला काम नहीं करता है, मल्टीटास्किंग नहीं करता है, तो आप एक नॉर्मल बजट स्मार्टफोन के लिए जा सकते हो, मिड रेंज स्मार्टफोन के लिए जा सकते हो, वो आपके लिए एक बेटर वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। और यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे टेक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए बस इतना ही, मैं हूँ ऋषभ ग्रोवर और आप देख रहे हैं अनबॉक्स एनर्जी।